हेलो दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब आर के पाल ब्लॉग और दोस्तों आज हम फिर एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जो लेदर शूज के दोस्तों और सीधे लफ्जों में कहूँ तो मैं लेके आया दोस्तों आज आपके लिए जो राजस्थानी जूती होती है आप पंजाबी जूती भी कह सकते हैं राजस्थानी जूती पंजाबी जूती क्योंकि थोड़ा सा अंतर होता है दोस्तों और वो जूती लेके आए हम लेदर की टोटल लेदर की जूती है दोस्तों लेकिन उसके नीचे जो सोल लगा हुआ है वो पी का है आप डिमांड करेंगे तो उसमें है ना टीवी, टीपी पीपीआर का सोल भी लग जाएगा वैसे है ना राजस्थान में ना काफी जूती चलती है दोस्तों वो मैं बताऊ मैं आपको तो राजस्थान में जयपुर चूरू सीकर मतलब बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पर ये जूती काफी अच्छी चलती है दोस्तों और पंजाब में तो पंजाब की जूती तो है ही है ही दोस्तों क्योंकि क्या होता है राजस्थान जूती जो होती है दोस्तों उसमें है ना थोड़े है ना न वो क्या कहते हैं डिजाइनिंग का काम ज्यादा हो जाता है जैसे आपने देखा होगा स्टोन से लगे हुए हैं कुछ लगे हुए और पंजाबी जूती क्या होती है वो एकदम प्लेन होती है लेदर में तो उसी टाइप की जूती है दोस्तों और वो जूती है ना कई जगह राजस्थान में भी पहनना पसंद करते हैं एमपी में भी और आजकल तो है ना फैशन सा हो गया वो जूती पहनने का दोस्तों तो वही जूती मैं लेके आया हूँ उसके साथ साथ मैं आपको है ना लेदर की मोजरी भी दिखाऊंगा जिसे है ना राजस्थान में न्यू कट या पंजाब में न्यू कट भी कह कट के नाम से भी जाना जाता है तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको जो जूती है दोस्तों दोस्तों हमारा जो बॉक्स होने वाला है वो ये होने वाला है देखिए आपके सामने लेदर लेदर के नाम से जो ब्रांडिंग की गई है लेदर के नाम से है। दोस्तों यहाँ पे स्टीगर पर भी है ना लेदर लगा हुआ है और जलसा लिखा हुआ है जलसा दोस्तों जलसा ही उसका आर्टिकल का नाम दे रखा है हमने जलसा और आप है ना हरियाणा में भी कई जगह जाओगे तो जो जूती है ना उसे है ना जलसा के नाम से ही जाना जाता है तो इसमें मैं दिखाता हूं आपको जो खोलकर जो शूज है दोस्तों हम है ना दोनों पैर ही निकालेंगे इसको साइड में रख देते हैं बॉक्स को अब देखिए दोस्तों जो लेदर है दोस्तों लेदर लेदर ही रहता है और फॉर्म फॉर्म होती है और जो जूती है ना देखिए आप पंजाबी जूती कह सकते हैं राजस्थानी जूती भी कह सकते हैं क्योंकि जूती जूती होती है थोड़ी है ना डिजाइनिंग हो जाएगी तो वो प्योर राजस्थानी जूती हो जाएगी है ना तो ये लेदर में है दोस्तों और वो क्या है कि जो राजस्थान जूती होती है वो फॉर्म पे या कपड़े पे है ना उसको नगासी कर कर डिजाइनिंग करके तैयार की जाती है मैं दूसरा पैर भी आपको दिखाता हूँ देखिये क्वालिटी है वो आपके सामने है कितनी जबरदस्त क्वालिटी बनी हुई लेदर है दोस्तों प्योर लेदर लेकिन हाँ इसके अंदर जो लगी हुई है वो स्किन फिट लगी हुई है जो अंदर थोड़ा सा है ना क्या है कि कुशनिंग महसूस हो पैर में या थोड़ा मनसा रहे क्योंकि कुशन होती है ना जो एरोन के अंदर राजस्थान हरियाणा में एरोलिन कहा जाता है यूपी में स्किन फिट कह देते हैं दोस्तों इसको जो अंदर जो लगा हुआ है कपड़े के नीचे ना थोड़ी से ना दो एम एम तीन एम एम चार एमएम की क्वेश्चन होती है उसको एरोलिन या स्किन फिट कहा जाता है और काफी बेहतरीन आर्टिकल लग रहा है दोस्तों और इसके अंदर भी है ना देखिए आप ब्रांडिंग की गई है जो लेदर लेदर की ब्रांडिंग की गई है और काफी अच्छी क्वालिटी दोस्तों निकल कर सामने आ रही है ये बेहतरीन चीज बनी हुई है दोस्तों लेदर में और मैं आप है ना इसके ना आपके जो मेटर लगा हुआ है उसकी बात करता हूँ इसमें जो सोल लगा हुआ है दोस्तों पीवीसी सोल है आप डिमांड करेंगे तो इसमें टीपीआर सोल लग जाएगा दोस्तों और काफी अच्छा सोल है दोस्तों कहीं से कोई भी शिकायत हमारे पास अभी तक नहीं आई है अभी तक कम से कम है ना हमें ना आठ नौ साल हो गए हैं इसे बनाते हुए काफी अच्छा आर्टिकल काफी अच्छी सेल है रेगुलर बनता है दोस्तों इस मध्य में भी मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि रेगुलर चलने वाली चीज है दोस्तों और अंदर जो पैतावा डला हुआ है वो भी लेदर का ही है और दोस्तों इसके है ना बाहर से किया जाए तो ये है ना थोड़ा लेदर है जो बाजरा दाना होता है उससे थोड़ा बारीक लेदर है बारीक दाने वाला मैंने आपको बताया हुआ लेदर सॉफ्टी मिल्ड मिल्ड में भी कई दाने जो ग्रेन होता है दोस्तों उसका उसके आधार पर उसको मिल्ड का नाम दे दिया जाता है कई नामों से जाना जाता है पीडीएम दाना हो गया चावल दाना हो गया बाजरा दाना हो गया है तो ये थोड़ा है ना चावल डालना मान लीजिए लेदर में इसमें दोस्तों क्या होता है कि हमारी जहाँ मैनुफेक्चरिंग होती है कुछ टुकड़े के लेदर की तो हम है ना दाने में जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते जो लेदर आएगा वो आपका माल बन के पहुंच जाएगा जैसे ना जैसे क्या होता है कई पार्टीज कहती हैं हमें थोड़ा हल्का दाना चाहिए तो वो हल्का दाना लग जाएगा और जो लेदर लेदर होगा दोस्तों लेदर की जगह पे हमें ना सिंथेटिक नहीं लगाएंगे और काफी बढ़िया जूती बनी हुई है एकदम जबरदस्त आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया जूती लगी हुई है और टी पी आर सोल लग जाएगा दोस्तों कहीं यहाँ पे कई कई स्थानों पर ना डिमांड होती है टीपीआर सोल की राजस्थान में भी कहीं जगहों पर हमारी डिमांड रहती है टी पी आर सोल की और पंजाब में भी और हरियाणा में भी तो काफी अच्छी क्वालिटी और भी बन सकती है फिर भी सोल कोई बुरा नहीं है दोस्तों काफी अच्छा चलने वाली चीज है कहीं से कोई शिकायत नहीं है दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों ये थी हमारी एक जूती और मैं आपको है ना एक और चीज दिखाता हूँ क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए है ना दो शूज लेके आए हैं दोस्तों तो मैं एक और चीज दिखाता हूँ ब्रांडिंग वही है सब चीज वही है आर्टिकल न्यू कट है दोस्तों तो काफी अच्छी चलने वाली चीज है ये भी और आप कहेंगे मतलब क्या बेहतरीन चीज है देखिए वो जूती थी दोस्तों इसे है ना मोजरी भी काज कह सकते हैं राजस्थान और पंजाब हरियाणा में काफी जबरदस्त चलने वाली चीज है दोस्तों ये भी इसमें सेम है ना जैसे आपको बताऊं तो देखिए टीपीआर सोल लगा हुआ है ये था दोस्तों पीवीसी सोल और यह टीपीआर सोल फिनिशिंग आपको खुद ही दिख रही होगी कौन सा कौन से सोल में फिनिश एकदम क्लियर है दोस्तों है ना तो ये लेदर में प्योर लेदर में दोस्तों और इसके अंदर भी है ना स्किन फिट लगी हुई है यहाँ पंजाब हरियाणा में आप कह सकते हैं एरोली लगी हुई है और यहाँ पे वेलवेट का एड़ा लगा हुआ है टीपीआर सोल है वन वर्नवर जो लगा हुआ है दोस्तों वाटर प्रूफ है और यहाँ पर भी लेदर की ब्रांडिंग की गई है लेदर और ये जो पैतावा है दोस्तों लेदर का ही है लेदर ये पूरा पैतावा केवल स्किन फिर यहाँ पे लगी हुई है तो दोस्तों ये भी एक बेहतरीन शूज होने वाला है राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के लिए काफी डिमांड क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर तो लोग जो होते हैं वो फीता खोलने में या बांधने में है ना बहुत ज्यादा है ना इरीटेट महसूस करते हैं कि कौन है ना फीता खोले और कौन बांधे शूज के लिए इसमें क्या है पैर डाला एकदम फिट हुआ इसमें भी पैर डाला एकदम फिट हुआ तो इसलिए लोग है ना इनको है ना ज्यादा पहनना पसंद करने लग गए हैं दोस्तों क्योंकि चलते चलते पहन सकते हैं और इनको है ना कई ड्रेस कोड में भी है ना पहना जा सकता है या पैंट शर्ट पे पे और कई चीजों पे है ना इनको है ना कुर्ता पजामा है ना अब जैसे ना पैंट पे भी पहन सकते हैं जीन्स पे भी पहन सकते हैं कुर्ता पाजामे भी पहन सकते हैं तो हर ड्रेस कोड पे है ना ये शूट करता है और अच्छा लगता है दोस्तों और बाकी क्वालिटी आप देख ही सकते हैं इतनी बेहतरीन क्वालिटी है दोस्तों दोनों आर्टिकल्स की सॉरी दोनों आर्टिकल की बेहतरीन जो क्वालिटी है निकल के आ रही है दोस्तों लेदर भी काफी बढ़िया है और आप देख रहे हैं तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो थी वो यहीं तक दिखी हमने इस वीडियो में आपका ना दो आर्टिकल्स दिखाए क्योंकि तो हमें थोड़ा ना बढ़ा रहे हैं कई जो व्यूवर्स कहते हैं कि एक ही शूज में ना सारा क्लियर हो जाता है आपका लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम है ना पूरी डिटेल में बताते हैं हम वो नहीं बताते कि आपको है ना बस प्राइस बताया हटाओ फेंका साइड में कि है ना वो जो पार्टी है वो क्या मतलब पूछे फिर है ना प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो हम है ना पूरी डिटेल में बताते हैं सोल से लेकर अंदर तक के मेटेरियल को तो दोस्तों इतने में क्या होता है कि एक ही वीडियो बन पाती है क्योंकि आपको भी पता है कि हम है ना आपके लिए है ना बना के रख देंगे आधे घंटे की वीडियो है पौन घंटे की वीडियो तो आप भी बोर हो जाओगे और आप भी स्क्रेप करके देखोगे और आपको भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो एक शूज की वीडियो है ना पूरी डिटेल हो उसकी तो बेहतर वीडियो बन जाती है दोस्तों तो दोस्तों ये मैं इसलिए लिया है दोनों वीडियो को क्योंकि दोनों एक ही उसमें कैटेगरी में आ जाती हैं और एक ही जगह पे पहना पड़ता लगभग सेम सा आर्टिकल है तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी जो चैनल पर जो न्यू व्यूअर हैं दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत दोस्तों